और बंगाल की खाड़ी में बना भीषण चक्रवाती तूफान दाना ओडिशा तट से टकरा गया है। दाना तूफान 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ओडिशा के धामरा में तट से टकराया है। तूफान के असर से धामरा में बहुत ही तेज इस वक्त बारिश हो रही है। धामरा के अलावा केंद्रपाड़ा में भी तेज बारिश हो रही है। चक्रवात दाना के असर से आए तूफान और बारिश में केंद्रपाड़ा में तट पर बांधी गई 15 से ज्यादा नावें इस वक्त डूब चुकी हैं। केंद्रपाड़ा के अलावा पुरी और भुवनेश्वर में भी भारी बारिश हो रही है। ओडिशा के बाद तूफान दाना बंगाल की तरफ बढ़ेगा, जहां पर कोलकाता में पहले से ही तेज बारिश हो रही है, तो उधर कर्नाटक और तमिलनाडु के कई इलाकों में भी तेज बारिश का के साथ साथ बाढ़ जैसे हालात बनते नजर आ रहे हैं। तूफान का जो इफेक्ट अभी मिल रहा है यहाँ पे, ये छवि देख के ही हम लोग बोल सकते हैं जो कितना तेज यहाँ पे टाइड्स हो रहे हैं, हेवी टाइड्स हो रहा है। जैसे प्रशासन सदा तत्पर है, ये कल से ही हम देख रहे थे, प्रशासन की तैयारी थी, प्रशासन की तैयारी है। और अभी जो तेज हवा चल रही है, इसके साथ साथ वेदर अपडेट बोल रहे हैं कि दाना तूफान के कारण उसका इफेक्ट, लैंडफॉल तो हो चुका है लेकिन उसका इफेक्ट अभी तक रहेगा और इसीलिए भारी बारिश होगी। अभी तो तेज हवा चल रही है लेकिन उसके साथ साथ भारी बारिश भी शुरू हुआ है। थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, कभी ज्यादा बारिश हो रही है। लेकिन और एक चीज दिखाना चाहेंगे, जो टूरिस्ट लोग हैं, सुबह से यहाँ 5 बजे से टूरिस्ट लोग सब आ रहे हैं और वहाँ प्रशासन की तरफ से माइकिंग किया जा रहा है कि ये जगह खाली किया जाए, इसीलिए प्रशासन की तरफ से बैरिकेड किया गया है। वो बैरिकेड के उस पार से टूरिस्ट लोग अगर कुछ दिखना चाहे तो दिख सकते हैं। वो लोग बोल रहे हैं बार बार कि हम लोग ये समुद्र को देखना चाहते हैं, लेकिन यहाँ से तो ओडिशा के धामरा में तूफान का बहुत असर देखा जा रहा है। कई जगहों पर पेड़ गिर गए हैं। ग्राउंड जीरो से देखिए क्या है वहां के हालात। दाना का जो प्रभाव है वो केंद्रापड़ा भितरकनिका के अंदर पूरी तरह दिखा गया है, क्योंकि रात भर यहाँ पर तेज हवा चलने के साथ अगर देखेंगे लंबे लंबे लहर वो भी आ गया जनबसत की तरफ से, और दूसरी तरफ हम देखेंगे तो हवा भी इतना जोर से चला कि वहाँ पर बहुत सारे नुकसान हुआ है। हम तस्वीर दिखाएंगे एक इलेक्ट्रिक पोल का जो जहाँ उखड़ गया है पूरी तरह, वो लोहे की जो एक पोल था वो पूरी तरह उखड़ के रास्ते पे पड़ गया है। इतना जोर से हवा कल रात में चल रहा था जिसका प्रभाव से वो इलेक्ट्रिक पोल है वो उखड़ गया है और पेड़ भी है, पेड़ भी ऐसे टूट गया है। आप देख के अनुमान लगा सकते हैं कि साइक्लोन का प्रभाव कितना जोर से यहाँ पर था और जहाँ लैंडफॉल हो रहा था इसलिए यहाँ पर बहुत ज्यादा हवा चल रही थी। रात भर लगातार हवा चल रही थी, बारिश हो रहा था, उसके साथ जो समुद्र का लहर है वो भी बहुत जोर से चल रहा था, जिसके वजह से हम देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे नुकसान हुआ है। एक तरफ जो बोट है, जो फिशरमैन की बोट है वो आप देख सकते हैं वो पूरी तरह उलट गया है, कुछ बोट टूट गया है और इसके साथ हम देखेंगे जो इलेक्ट्रिक पोल है वो भी उखड़ गया है और उसके साथ अब पेड़ देखेंगे वो भी टूट गया है। उधर बंगाल में भी तूफान दाना की वजह से 1.5 लाख लोगों को तूफान प्रभावित इलाकों से निकाला गया है, जबकि 83,000 लोगों को इस वक्त राहत शिविरों में पहुंचा दिया गया है। सीएम ममता बनर्जी भी हालात पर पूरी नजर बनाए हुए हैं। सीएम ममता बनर्जी ने भी रात भर कंट्रोल रूम में रहकर हालात का जायजा लिया और अफसरों को लोगों की मदद के लिए उचित निर्देश भी दिए हैं। वहीं तूफान की वजह से कोलकाता एयरपोर्ट के करीब 300 उड़ानों पर इस वक्त असर पड़ा है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय भी पूरी हालात पर निगरानी बनाए हुए है। गृह मंत्रालय की ओर से तूफान प्रभावित राज्यों में एनडीआरएफ की 56 कंपनियों को भेज दिया गया है ताकि जो लोग जगह जगह पर फंसे हुए हैं या फिर जो लोग जहां पर हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा सके। चक्रवाती तूफान दाना का असर अब कोलकाता पर भी दिखने लगा है। ये तूफान
कल देर रात उड़ीसा के भद्रक के पास जमीन से टकराया, जिसके बाद आगे बढ़ते हुए अब कोलकाता में इसका असर देखने को मिल रहा है, जहां पर भारी बारिश रह रहकर हो रही है। आपको बता दें कि दाना के चलते कोलकाता एयरपोर्ट को 15 घंटों के लिए बंद रखा गया है, 200 से ज्यादा ट्रेनें, लोकल ट्रेनें रद्द की गई हैं, और इसके अलावा रात भर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नबानो यानी कि राज्य के सचिवालय में मौजूद रही कंट्रोल रूम में खुद। साथ ही साथ उनके निर्देश पर कोलकाता शहर के मेयर फिरहाद हकीम वो भी अपने दफ्तर में मौजूद रहे, विद्युत मंत्री अरूप विश्वास वो भी अपने दफ्तर में मौजूद रहे। हालांकि बहुत ज्यादा असर कोलकाता पर नहीं पड़ा है, लेकिन जो उड़ीसा से सटे तटीय इलाके हैं, खास करके पूर्व मिदनापुर जिला, वहां पर जो है वो तबाही ज्यादा हुई है, जहां पर पेड़ भी कई जगहों पर टूटकर गिरे हैं। साथ ही साथ सागर द्वीप जो इलाका है वो भी तटीय इलाका है, वहां भी काफी क्षति पहुंची है। और उड़ीसा के दाना तूफान की वजह से सभी स्कूल कॉलेजेस इस वक्त बंद कर दिए गए हैं। सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां भी 26 अक्टूबर तक रद्द कर दी गई है। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 3 दिवसीय उड़ीसा दौरा भी टल गया है। इधर अगर बात की जाए तूफान से निपटने की, तो 10 तटीय जिलों में एनडीआरएफ की 17 टीमें तैनात कर दी गई हैं। इस चक्रवात की वजह से ओडिशा से गुजरने वाले 178 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। ओडिशा ने नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स यानी कि एनडीआरएफ, ओडिशा डिजास्टर रिलीफ फोर्स यानी कि ओडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की 288 टीमें जगह जगह तैनात कर रखी है।